امکانات هست برای فوتبال بازبانوان منتخب هنگ کنگ ضربه هم زده می شود. एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन पेरिस ओलंपिक वुमेन क्वालिफायर में पाकिस्तानी टीम ग्रुप ई में मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद इवेंट से आउट हो गई। हांगकांग के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम को 2-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। हांगकांग का दूसरा गोल पाकिस्तानी खिलाड़ी की अपनी गलती से हुआ। ताजिकिस्तान के सेंट्रल स्टेडियम में पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान मैच पहले हाफ में बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में हांगकांग ने तेज खेल का मुजाहरा किया। 72वें मिनट में हांगकांग के खिलाड़ी ने पहला गोल करके बढ़तरी हासिल की। खेल के आखिरी लम्हात में हांगकांग ने पाकिस्तानी गोल पर एक और हमला किया, जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ी की गलती की वजह से 2-0 की बढ़तरी हासिल हुई। हांगकांग की टीम 6 पॉइंट के साथ इवेंट के अगले मरहले में पहुंच गई है। क्वालिफाइंग राउंड में कौमी टीम ग्रुप के आखिरी मैच में मेजबान ताजिकिस्तान से 11 अप्रैल को मध्य मुकाबले होगी, जो रस्मी कार्रवाई होगी। इससे कबल खेले गए पहले मैच में फिलिपाइन ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त दी थी। इस तरह कौमी टीम के खिलाड़ियों 2 मैचों में 1 गोल भी करने में कामयाब न हो सकी। सऊदी अरब में खेले जाने वाले 3 मुल्की टूर्नामेंट के बाद टीम से खासी उम्मीदें वाबस्ता थी। PFF की कमेटी ने टीम को मजबूत करने के लिए मुकामी खिलाड़ियों को नजरअंदाज करके बिरूने मुल्क मुकीम खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया था, लेकिन इनकी ये कोशिश भी कारगर साबित न हो सकी और टीम इब्तदाई 2 मैचों हार कर इवेंट से बाहर हो गई। वाज़ह है कि चंद माह कबल फीफा की कमेटी ने खवातीन खिलाड़ियों को मर्दों के बराबर मुआवजा देने का ऐलान भी किया था, ताकि वो अपनी कारकर्दगी में बेहतरी ला सकें।